Okay, so very good morning to all. And lab
वर्क जो भी थेरी पार्ट्स एंड सिमुलेशन वर्क था वो आई थिंक कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैं अगेन जो थेरी पार्ट्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जैसे हम कॉपी में नोट या स्टार्ट लगाकर हम नोट करते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर कुछ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अगर हम बैक डायोड की बात करें तो दी डायोड एक्जिबिट्स डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ टू इफेक्ट्स, कौन कौन सा है, एक तो आपका इम्पैक्ट आयोनाइजेशन है और एक आपका ट्रांजिएंट टाइम इफेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किया हुआ है। एंड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय FL F इक्वल टू VD अपॉन 2L, वेयर VD आपका कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD वेयर VD कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एल है आपका ड्रिफ्ट कैरियर लेंथ, ड्रिफ्ट जो रीजन है, ड्रिफ्ट रीजन लेंथ। एंड नेक्स्ट आप करेगा इसमें इफिशियंसी ऑफ इंपैक्ट, तो इफिशियंसी बैक डायोड इज गिवन बाय ईटा, इफिशियंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए अपॉन वी डी इंटू आई ए अपॉन आई डी, आई ए अपॉन आई डी, वी डी एंड आई डी डीसी वोल्टेज करेंट, वेयर वी डी एंड आई डी आपका डीसी वोल्टेज एंड करंट से, डीसी वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट अपन इनपुट होता है आपका, इफिशियंसी की जब भी हम बात करते हैं तो आउटपुट आपका ये है, इनपुट आपका डीसी वोल्टेज है, एंड वी ए आई ए VA I इज इक्वल टू AC वोल्टेज एंड करंट, AC वोल्टेज एंड करंट, तो टोटल जो इफिशियंसी आ जाएगी इंपैक्ट डायोड की वो आ जाएगी 30% अराउंड। तो दी इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ इम्पैक्ट डायोड इज अराउंड 30%, इज अराउंड 30%। नेक्स्ट आपका है ट्रैप के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, पॉइंट्स हैं जो हम इनको स्टार से इंडिकेट कर देते हैं आपका, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ट्रांजिट टाइम, रेजोनेंट, इफिशिएंसी, सबसे पहले तो
stand for trapped plasma. Plasma avalanche. Triggered transient mode. And is a high efficiency, is a high efficiency microwave generator. Capable of operating from several hundred megahertz to several hundred megahertz to sorry, several gigahertz. अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन कहता था आपका जो डिवाइस की हमने बात की थी मटेरियल्स का कॉन्फ़िगरेशन एन प्लस पी पी प्लस और पी प्लस एन एन प्लस आयो तो इट इज इधर इट इज इधर पी प्लस एन पी पी प्लस N, N plus or N plus P, P plus. ये configuration था आपका. Okay. And avalanche zone velocity. Zone velocity VZ. Velocity VZ. Is given by VZ equal to J upon QNA. ये किसके लिए आपका for ये configuration P plus N N plus configurations के लिए डायोड where J equal to current density. जे आपको क्या है करंट डेंसिटी एंड एन ए इज अ डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एन रीजन एन ए डोपिंग कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ and reason okay and trapped diode basically generally exhibit a considerable high noise figure, higher noise figure than
pair diode. Okay, and now next aapka direct diode. जो पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, ये बुलांच, ये भी पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट आपका बैरेट डायोड, BARITT डायोड. Barrier diode means barrier injected transit time diode. Barrier diode stands for barrier injected transit time diode. It has long, next point rahega, it has long drift region, like impact diode, right? Impact diode. This diode exhibit a negative resistance for transit angle. Angles pi and 2 pi. So the optimal transit angle is approximately 1.65. Next up, its advantage is that it has relatively narrow bandwidth, and power output, is limited. Power output is limited to a few millivolts. Critical voltage for Barrett diode is given by given
रहा है वी सी इक्वल टू क्यू एन एल स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन एस वेयर एन इज द डोपिंग कंसेंट्रेशन डोपिंग कंसेंट्रेशन एंड एल इज अ सेमी कंडक्टर थिकनेस सेमी कंडक्टर थिकनेस एंड एप्सिलॉन एल इज अ सेमी कंडक्टर एप्सिलॉन इज द सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी परमिटिविटी ओके और नेक्स्ट आपका यहाँ पर एरोमेटिक एम्पलीफायर पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम equivalent circuit of parametric amplifier is given as यहाँ पर एक आपका कैपेसिटेंस है वेरिएबल कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस वोल्टेज वी जी आर जी एल एस शॉर्ट शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट से ही आपके एंड सी एल 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 आर एल वेरिएबल रेजिस्टेंस आर डी सी पी LP, RP, ये आपका पंप सर्किट हो गया पंप सर्किट एंड इस मैच में आपकी जो करंट है आई नॉट सो दिस इज द आइडलर सर्किट एंड दिस सिग्नल सर्किट सिग्नल सर्किट तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट
is given by F naught equal to MFP plus minus NFS, where M and R the positive integer, and F is a signal frequency. FP is a pump frequency. And F naught is the output frequency. Some other important points भी इसमें आपका है, mainly रो पावर. रो पावर रिलेशन और ए सेट ऑफ एनर्जी रिलेशंस रिगार्डिंग regarding power flowing into out of an ideal nonlinear reactance. They are useful. They are useful in predicting whether power gain is possible. So if output frequency is greater than signal frequency, the device is called parametric up converter. And if output frequency F naught is less than signal frequency, पर भी सेम कर देते हैं. The device is called parametric down converter. Parametric up converter.
parametric up converter output frequency is sum of signal frequency and pump frequency okay, so यहाँ पर भी जो कंडीशन थी हुई वो भी वेरीफाई हो रही है. F naught is greater than equal to F naught is greater than FS. There is no power flow, in parametric device. At the frequencies other than the signal pump and output frequency power gain of parametric up converter is given by gain equal to output upon input. यहाँ पर frequency की terms की बात करें तो frequency output frequency plus signal frequency into x upon 1 plus under root 1 plus x square where output frequency is what? Output frequency is the sum of the signal frequency and pump frequency. So FS plus FP and x equal to FS upon F naught where Q equal to 1 upon 2 pi Fs CRD where RD is the series resistance of PN junction diode and gamma q is a figure of merit of non-linear capacitor okay. तो आई होप आपने अटेंडेंस चैट बॉक्स पे फिल कर दिया होगा सभी ने. नेक्स्ट पॉइंट द क्वांटिटी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मे बी रिगार्डेड as a gain
as again degradation. Degradation factor. Next, as RD approaches zero, अगर आपकी RD जो PN junction diode resistance है, RD approaches zero, approaches zero. The figure of merit. Figure of merit क्या हो जाएगी आपकी? Infinite हो जाएगी. क्योंकि RD यहाँ पर denominator में है. RD अगर आप zero करेंगे तो figure of merit क्या हो जाएगी? Infinite हो जाएगी. Means maximum हो जाएगी. Figure of merit approaches infinite. एंड गेन डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा आपका? गेन डिग्रेडेशन फैक्टर बिकम्स